अब हुआ कुछ यूं है कि तैयबा ने बोला कि मैंने उबर करा लिया, 5 मिनट तक मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। इंतजार में थी कि उबर आने वाली, उबर आ रही है। जब मैं ऊपर खड़े होकर देख रही थी, मैंने कहा अच्छा उबर आएगी, तो थोड़ी देर बाद ना हॉर्न हुआ गाड़ी। तो मैंने कहा अच्छा मिसबा अपने भाई के साथ आई है, कोई मसला नहीं, ठीक है। थोड़ी देर के बाद मैंने जब गाड़ी में बैठी तो मैं इतनी सरप्राइज हो गई कि अच्छा ये खुद ड्राइव करके आई और इतना बड़ा सरप्राइज मुझे मिला। अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैविंग एन अमेजिंग डे। मैं घर से निकल रही हूं, मुझे दिखाऊंगी यार मिसबा आहिस्ता चला यार। आज हम जाने यूनिवर्सिटी क्योंकि हमें थोड़ा सा एक काम था, तो हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। वैसे तो यूनिवर्सिटी बंद है लेकिन काम की वजह से हमें जाना पड़ रहा है। और मैं घर से निकल रही थी, मामा कहती है ले जो दूध, ले जो नाश्ता, नहीं किया तुमने, ये नहीं किया, दूध नहीं। और हमारा ड्राइवर है ना, हमारी इतनी गंदी ड्राइविंग करती है ना कि सारा वो मेरे ऊपर ही गिर गया। अभी मैं अपना नहीं चला, बहुत अच्छी है। हाँ भाई कैसे, नहीं 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 ड्राइविंग अच्छी करती है, बस ब्रेक अच्छी नहीं लगाते मिलने से ही। हाँ दे देंगे तुम्हें ऊपर का किराया, दे देंगे और तुम्हें 5 स्टार नहीं देंगे क्योंकि तुम ब्रेक अच्छी नहीं लगाती हो। अगर खुदा ना खास्ता ये काम ना हो सका ना, तो सारा मलबा मेरे सर के ऊपर पड़ता है क्योंकि ये बेचारी सुबह 9 बजे की आके बैठी हुई है इसके घर में और मैंने लेट कराया क्योंकि मुझे घर में बहुत सारे काम होते हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चों को नहाना धुलाना सफाई करनी बहुत सारे काम, तो इसने कहा कि अगर आज हमारा काम ना हो सका तो फिर मैं दोबारा किस दिन यूनिवर्सिटी जाऊंगी और ये काम करूंगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इसको इस लड़की को उस पर यकीन नहीं, उसे पूछिए सारे दरवाजे खोल खोल के देखो सारे लॉक हो गए। एक गेट से धुतका दिए गए हैं, अब हम दूसरे गेट से अंदर जाएंगे उनको। हाँ हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कहीं जा रहे हो, हम एक ही दफा कहीं से गुजर लेने दिया जाए। नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक तो ना उनको यकीन नहीं है हम पे कि हम वाकई स्टूडेंट है। जितनी खाली यूनिवर्सिटी हमने सोचा था होगी उतनी नहीं है। तैयबा कहती है कपल तो है ही और कोई नहीं है, तो यार बेचारे कैसे रह सकते हैं। तुम सोचो ना उनके बारे में, उनके सांसें ब्लॉक हो जाते होंगे। हमें तो मसले वाली बात ही नहीं ना, हम तो खुश होते हैं जब हम कहते हैं ना छुट्टियां होगी। मैंने कहा बल्ले बल्ले मोजा मोजा। और जो होते हैं ना रिलेशनशिप वाले लोगों को कहते हैं मर गए, 10 मिनट रह गए क्योंकि हमें कहा था 11:30 बजे से पहले पहले आपने यूनिवर्सिटी आना अगर आपको अपना काम करवाना है। और अभी ब्लंडर हो गया, ये मोहतरमा का फोन नहीं मिल रहा, पता नहीं ये गाड़ी में छोड़ा ही है या रास्ते में क्या करा दी है। अल्लाह ना करे यार, अब संभाल छोड़ दी थी। नहीं यार मुझे कन्फर्म पता कि तुम गाड़ी में छोड़ कर आई हो, इतनी टेंशन हो रही है। मैं इसको कह रही थी कहती वापस चलते, मैंने कहा इतनी दूर पार्किंग में वापस जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, अब हमने एक को वापस भेजा है, तुम जाओ और जाके जाना चेक करो कन्फर्म करो। उसके पास ही है ना, मेरे पास डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री मारते हुए खाली खाली थीसिस, वो भी ये भी, उसमें हमारे पेपर्स होंगे जो हमने देने नहीं। मेरे दादा अब्बू के जमाने का कंप्यूटर, मेरे मोबाइल मिल गया फाइनली। मोबाइल भी मिल गया और हमारा काम भी हो गया, अब तसल्ली हो गई है। और वो बेचारी हमें कोस रही होगी, बार बार इधर चलती है, हमें फोटो कॉपी नहीं कराना, तो वो हमें कोस रही होगी, कह रही होगी कि यार किधर मैं किन के साथ गलती हो गई। हाँ लेकिन अब थोड़ा सा ना रिलैक्स फील कर रही होंगे, ठीक है काम हो चुका है। खाली यूनिवर्सिटी भी अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही, सुकून सुकून फील हो रहा है, लेकिन बार यूनिवर्सिटी जाना वो बच्चों के साथ ही अच्छी लगती है। यूनिवर्सिटी आए हो और वॉशरूम में गए हो, क्या बात करते हो भाई, मेरे बालों में बम फट चुके, मैं नहा कर डायरेक्ट आ गई थी और अब सत्यानाश हो गया बालों का। आज हमने उस बेचारे को इतना वेट कराया, इतना वेट कराया जितना हो सकता था। अंकल मुझे कहेंगे बेटा ये क्या कर रही है, जितना वेट हो सकता था यार। हम ना एडमिन ब्लॉक में भी घूम रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कभी भी कुछ भी कहा जा सकता है। बाजी बाजी दरवाजा खोल दे बाजी, हेयर पाओ जी, इतनी बड़ी गड्डी से बैठे हो बाजी, 5 रुपये बाजी ये भी काफी है यार। अब बात कुछ ऐसी है कि यार इसके साथ मैं फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठी हूँ, ये ड्राइव कर रही हूँ, तब यकीन नहीं है मुझे इस पे। पहले मैं बिल्कुल ना इसकी सीट पकड़ के बैठी हुई, ध्यान से देख ये कर वो कर, आगे आंटी आंटी बचाओ। एक लड़की है ड्राइव कर रही है, अगर आगे से कोई लड़की ड्राइव करती हुई आगे ना, तो काम खराब हो जाना है। अभी मैं पीछे बैठी हूँ बिल्कुल आंखें बंद करके कि आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी हूँ, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है क्या होना, क्योंकि ये खतरनाक किस्म की ड्राइविंग कर रही है। अल्लाह बचाए। सही है, हमारे साथ ना थोड़ा सा बैठन हो गया, हम आए थे रेंचर पे इसके अमेजिंग डील। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने लगाया था कि ये डील में खाने आऊँगी इंशाल्लाह सून। वो खाने आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि डाइनिंग की सर्विस अवेलेबल है, तो अब उन्होंने कहा नहीं डाइनिंग की सर्विस अवेलेबल नहीं, आप जो ना अपनी गाड़ी में जाके खा सकते हैं। अभी मैं आपको ये दिखाने वाली हूं कि जब लड़कियां गाड़ी पार्क करती है तो वो कैसे करती है। ये आई है गाड़ी और ये अपनी मर्जी से खड़ी है, गाड़ी पार्क करने वाली नहीं, मैंने कुछ नहीं किया यार, ये खुद हो गई है। आपका
जो हमने रेंचेस पर डील मंगवाई थी ना वो 2% थी, और ना 15 मिनट के बाद हमें एहसास हुआ अच्छा हम तो 3 लोग हैं, वो तो डील 2% लिए थे। हम दोबारा ऑर्डर करके आए तो अभी सिर्फ एक डील आई है, दूसरी डील आने में अभी टाइम है, तो मैं इनको ये भी नहीं खाने दूंगी क्योंकि जब तक मेरा खाना नहीं आएगा ये लोग भी नहीं खा सकते। जाहिर सी बात है ना, हम मिलजुल के खाएंगे, अगर इनका पहले खत्म हो गया मेरा भी खा जाएंगे, तो इसलिए हम इंतजार करेंगे। फाइनली भाई हमारी डील भी आ चुकी है, जितना हमने इंतजार किया ना इसके लिए, अब हम टूटेंगे खाने के ऊपर। मुझे भी फॉलो कर लो। बर्गर साथ हम बहुत ज्यादा रज गए थे, तो फिर हमने सोचा कि लगते हाथ आइसक्रीम में खा ही ली जाए। आज हमने ना ट्रैफिक के मदर सिस्टर फादर ब्रदर सब कुछ कंबाइन कर दिया, वन वे पे हम टू वे जा रहे हैं, यहाँ से गाड़ियाँ सीधे आती है, वहाँ से हम ऊपर उल्टा जा रहे हैं, अपने हमने मॉल बनाया और सब लोग कह रहे हैं इन्हें रास्ता दे दो। आज जो हमने किया मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूं। यार हुआ ये कि हमने पहले बर्गर पिज्जा खाया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ना कोई आइसक्रीम खाई जाए, लेकिन हम तीन जगह से उठकर आ गए हैं क्योंकि हमें वहाँ का मेन्यू पसंद नहीं आया। सोच सकते हैं आप आज तक जिंदगी में मैंने ऐसा काम कभी भी नहीं किया, लेकिन पर आज कर दिया। आइसक्रीम मिल चुकी है केएफसी वालों, शुक्रिया तुम लोगों का। और जहाँ जिसकी गाड़ी है उसको घर से कॉल आ रही है कि गाड़ी लेकर आओ क्योंकि हमने 2 बजे कहीं जाना है। मेरा चम्मच फट गया, रुको मैं टेस्ट करके बताती कैसी है। कौन लोग हैं जो पहला चम्मच खा के बता देते हैं कि चीज़ मजे की बनी है? मुझे तो सारी खा के पता लगेगा, ज़्यादा मजे की नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है। तो इसी के साथ आपका ब्लॉग करते हैं हम एंड। इफ यू लाइक दिस देन हिट ऑल द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो। मैं कैमरा लेकर आई थी लेकिन कैमरा पता नहीं मैं क्यों लेकर आई थी, सारा ब्लॉग जो है मैंने फोन से रिकॉर्ड किया। कोई बात नहीं होता है ऐसे कामों में, ऐसा होता है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, चलते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी, हम आए भी जल्दी में थे, हम जाएंगे जल्दी में, और बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़।